been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. हेलो गाइस, वेलकम टू द एज मीडिया न्यूज़। तो गाइस, आज मेरे पे काफी सारे हॉलीवुड के अपडेट है, प्लस मार्वल के, प्लस डीसी के। बट इसके साथ साथ अगर आपने मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज अभी तक लाइक नहीं करा है तो आप लाइक कर लीजिए, क्योंकि मैं सारे अपडेट अपने फेसबुक पेज पे पहले ही दे देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते दिस वीडियो। तो सबसे पहले अपडेट आ रहा है किम पॉसिबल की लाइव एक्शन मूवी आ रही है, जो कि डिज्नी की कार्टून टीवी सीरीज थी और ये टीवी सीरीज काफी अच्छी लगती थी मुझे बचपन में। उसके बाद रेड स्पैरो मूवी, जो कि बहुत ही अच्छी मूवी है, और इसके जो डिजाइनर हैं वो अब ब्लैक विडो मूवी में काम कर रहे हैं और वो फाइनली ब्लैक विडो मूवी का एक अलग ही कॉस्ट्यूम डिजाइन करेंगे, तो देखते हैं वो हमें कैसा लगेगा। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर ने अपना कैलेंडर चेंज कर दिया है और उन्होंने 6 और 7 पार्ट की रिलीज डेट लॉन्च कर दी है, तो ये सब पैरामाउंट के चक्कर में हुआ है। उसके बाद एक्वामैन का फर्स्ट लुक लॉन्च हुआ है, जो कि एक कॉन्सेप्ट पार्ट है और ये कॉन्सेप्ट पार्ट काफी कमाल का लग रहा है, जिसमें कि उनका ये लुक फर्स्ट लुक है जो कि उनका ओरिजिन सूट होगा। उसके बाद वंडर वुमन और चीता का लोगो लॉन्च करा गया है फैन आर्ट में, जिसमें कि लगेगा कि आपको ये लोगो जब रिलीज होगा तो ये किस तरीके से देखने वाला है, तो इससे एक हिंट मिल जाती है। उसके बाद एवेंजर इन्फिनिटी वॉर ने वर्ल्ड वाइड, अगर चाइना का कलेक्शन इंक्लूडिंग ना करें तो 1.9 मिलियन कमा लिया है। उसके बाद चाइना का इंक्लूडिंग करने के बाद 2.1 मिलियन हो चुके हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है मार्वल फैंस के लिए कि फाइनली चाइना का इंक्लूडिंग करके 2.1 और चाइना का इंक्लूडिंग ना करके 1.9 कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद यूएस आर्मी काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रही है 1 ईयर से कि वो आयरन मैन जैसा एक आर्मर बना सके, पर देखते हैं कि इन फ्यूचर हमें आयरन मैन जैसा आर्मर रियल लाइफ में दिखता है या नहीं। उसके बाद पैरामाउंट ने जब से अपनी डेट चेंज करी है मूवी की, उसमें गॉडज़िला 2 का भी नाम आ चुका है, तो उसकी भी डेट रिलीज कर दी गई है, जो कि आपको मेरे फेसबुक पेज पे मिल जाएगी। अपकमिंग एक्सफोर्स मूवी में पता चला है कि मिस्टर सिनिस्टर ही विलेन होंगे, ना कि एक्सफोर्स में, ना कि एक्समैन म्यूटेंट्स में, तो देखते हैं कि इन फ्यूचर क्या होगा। उसके बाद डिज्नी की एक लाइव एक्शन मूवी में डम्बो का फर्स्ट लुक लॉन्च हो चुका है, तो ये लुक फर्स्ट काफी कमाल का लग रहा है और ये प्यारा सा हाथी सभी को पसंद आ रहा है। उसके बाद रियान ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट पर भी एक एडिटर की फोटो डाली है, जिसमें कि वो फनी मूवमेंट करते नजर आ रहे हैं और देन ये एडिटिंग हो रही है डेडपूल की। उसके बाद आपको कैप्टन अमेरिका के बाद कैप्टन मार्वल के बाद मार्वल फेज 4 में कैप्टन ब्रिटिश से इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा, तो ये सुपर हीरो काफी कमाल का है। नेक्स्ट मूवी है ब्लडशॉट, तो ब्लडशॉट में आखिर आपको माइकल दिख ही जाएंगे, जो कि एक खतरनाक रोल करने वाले हैं, तो देखते हैं इन फ्यूचर उन्हें किसका रोल मिलता है। उसके बाद अगली है वेनम का अपडेट, तो फाइनली वुडी ने रिवील्ड कर दिया कि वेनम 2 भी आएगी और उसमें वो कर्नेज का रोल करेंगे, और इसका मतलब ये कि कर्नेज पहले पार्ट में नहीं मरेगा। देन अपकमिंग डीसी की मूवी आ रही थी ग्रीन लैंटर क्रॉप्स, फाइनली ये कैंसिल कर दी गई है, अब इसका रीजन तो पता नहीं चला, पर देखते हैं कि इन फ्यूचर डीसी फ्यूचर में क्या होगा। उसके बाद अभी टॉम हॉलैंड घूमने गए थे सिनेमा कॉन में और देन उनके फैंस काफी सारे मिले और उन्हें छोटे छोटे गिफ्ट्स दिए, तो उन्होंने इसके ट्वीट्स के साथ करते बोला कि मुझे कभी उम्मीद भी नहीं थी कि मैं आगे जाके इतना बड़ा सुपर हीरो बन जाऊंगा। उसके बाद रियान ने अपनी फर्स्ट फोटो डाली, जिसमें कि वो डेडपूल का सूट पहनकर फोटो खिंचवा के डाले कि फाइनली ये सूट कैसा दिखता है। देन उसके बाद जेम्स गन को डेडपूल मूवी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने उसे थैंक्स बोला मूवी को, और देन रियान ने बोला कि कभी क्रॉसओवर हो पाएगा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और डेडपूल का, तो उन्होंने क्वेश्चन मार्क बना दिया। फाइनली 500 मिलियन कंप्लीट कर चुकी है डेडपूल मूवी, जो कि बॉक्स ऑफिस मोजो ने रिवील्ड कर दिया है, तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देन उसके बाद गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के लिए फाइनली जेम्स गन मीटअप कर रहे हैं उनकी कास्ट से, और देन ये है आज की ब्रेकिंग न्यूज, तो देखते हैं इन फ्यूचर क्या होगा। उसके बाद कॉपीकैट, जो कि डेडपूल में काम कर चुकी है ये एक्ट्रेस, उन्होंने एक मूवी का अपडेट दिया है, जिससे कि वो लुक दिखा रही हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो वो मूवी कौन सी है देखते हैं आगे पता चलेगा। उसके बाद स्टार वॉर्स सोलो ने फाइनली 83 मिलियन कमा ली है, तो देखते हैं कि ये कितना कमा पाएगी। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे, या तो उस पर जो करके हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।